आपको पता है टैलेंट ना हर जगह देखने मिलता है, मतलब लिटरली हर जगह देखने मिलता है। जैसे इंडियाज़ गॉट टैलेंट देख लो, वहाँ पे ना बंदे आते हैं अपना टैलेंट दिखाते हैं और एंड में सिर्फ डांस वाले ग्रुप को ही ट्रॉफी मिल जाती है। अरे अगर डांस वाले ग्रुप को इतना प्रमोट करना था तो DID नाम रख देते यार, इंडियाज़ गॉट टैलेंट क्यों रख दिया। देखो डांस भी एक टैलेंट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ डांस को ही टैलेंट मानो यार, दूसरे भी टैलेंट होते हैं। तो आज हम ना अनबिलीवेबल टैलेंट्स के बारे में बात करेंगे, मतलब ऐसे टैलेंट जो आपको याद भी नहीं होंगे कि यार अच्छा इसे टैलेंट में गिन सकते हम। ओह माय गॉड, नहीं मतलब भरी दोपहर में खाट पे बैठ के पब्लिकली अपने गोटे खोजाना, अरे ये टैलेंट नहीं तो क्या है भाई। मतलब तुम समझ रहे हो कैसा टैलेंट है ये, किसी दुनिया की फिगर नहीं करनी और ऐसे उबर 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 इधर ना। मतलब बीबी ने कितना सही कहा था ना कि अगर खुजाने से पैसे आते ना तो टट्टे सोने के होते। अब जस्ट इमेजिन करो आप अपनी क्रश के साथ बैठ के ना कॉफी पी रहे हो और टैलेंट की बात निकलती है एंड यू आर लाइक बेबी मेरे में ना एक अजीब तरह के टैलेंट है, एंड शी इज लाइक ओ माय गॉड मुझे दिखाओ, एंड यू स्टार्ट स्क्रैचिंग योर बॉल्स और सब लोग तुम्हें देख रहे हैं सब लोग। तो ये टैलेंट की वजह से ना तुम अपनी गर्लफ्रेंड भी छोड़ दोगे, क्या टैलेंट है, इसी सहारे जीना पड़ेगा तुम्हें। ना, हंसना मत इस आंटी पे, मैं तुम्हें बता रहा, ये भी अजीब तरीके का ही टैलेंट है। नहीं मतलब खुद ट्राई करके देखना, अगर बम में दम में तो हो ही नहीं पाएगा। अरे तुम क्या, मैं करता हूं ट्राई, रुको देखते हैं अभी। जो बीटबॉक्सिंग का टैलेंट होता है ना वो हर एक के पास नहीं होता, मतलब वो काफी अच्छा टैलेंट है, हर एक में दम नहीं होता करने का। जैसे मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मुझसे होता नहीं है, देख लो नहीं हो रहा है। लेकिन एक बच्चा दिखाऊंगा जिसने ना बीटबॉक्सिंग में ना पूरा सॉन्ग गा दिया, मतलब गाने से लेके म्यूजिक से लेके कंप्रेस मास्टरिंग मिक्सिंग सब एक साथ कर दिया भाई ने। पीछे देखो पीछे देखो पीछे देखो, तुम सभी को बाप आ रही है। जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ, ये तो रहेगा लेकिन नहीं मतलब ये तो अच्छा टैलेंट था बंदे का, लेकिन ये जब पैदा हुआ होगा तो नर्स इसके माँ बाप को बोल रही होगी बधाई हो आपके घर साउंड सिस्टम पैदा हुआ है। अच्छा आइसक्रीम चूस रही थी ये, फिर हाथ से निकल गया मेरे मौका यार, ये क्या है यार आइसक्रीम चूसते हो यार सिर्फ। अरे ये क्या टैलेंट से कम थोड़ी ना है, एंटरटेनमेंट करते करते हैंडपंप से पानी निकाल के ये भोसड़ी वाला पूरे गांव को पानी पिलाएगा। अब मान लीजिए इसके घर पे कोई गया और कहेगा अरे तुम्हारा रमेश वा कहाँ है, और इसका बाप बोलेगा वो तो अपना पानी निकालने गया है, श्रुति उसी का पानी पीती है। जैसे जैसे ये जोक समझा ना रजिस्ट्रेशन करवा लो, साथ चलेंगे नर्क। क्या टैलेंटेड गांड लेके घूम रहा है भाई ये, मतलब कितनी ज्यादा टैलेंटेड है गांड, मतलब मैं भी ट्राई करूंगा, आजा फेंक। नहीं नहीं मेरी गांड में टैलेंट है, मैं कैच कर सकता था, वो फेंकने वाले में टैलेंट नहीं है। यहाँ हो सकता है मेरी गांड अट्रैक्टिव ही नहीं है तो चीजें अट्रैक्टिव नहीं हो रही है। आप ये सोचिए ये बंदा जब भी अपनी डिस्क्रिप्शन देता होगा तो कैसे देता होगा वो अपनी डिस्क्रिप्शन। मान लो इसके घर पे लड़की वाले से देखने आए और वो उससे पूछ रहे हैं जी आपका बेटा क्या करता है जी, एंड दे आर लाइक वो तो गांड से कैचेस पकड़ता है। लड़की वाले लाइक
अच्छा गांडू है मतलब। अरे ए लौड़िया, ऐसे जली हुई लकड़ी नहीं खाते हैं यार, इस पे कुछ पका के खाते हैं। कल को ये रेस्टोरेंट में जाएगा और वेटर इसके लिए चिकन लाएगा तो ये वेटर को ही खा जाएगा यार। डोंट ईट द सोर्स यार, और प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम, या टेरेस पे, या बालकनी में, या बाजू वाले के घर पे। प्लीज डोंट ट्राई दिस, तुम लोग मेरे यहाँ पे हो। अरे बोबे पे नहीं यार, मेरे उसके अंदर जो है दिल में, समझो थोड़ा बात को। म्यूजिकली पे ऑनलाइन ठोकम ठाकी करना, चुम्मा चाटी करना टैलेंट नहीं तो क्या है यार? मतलब ये शादी.com पे अभी शादी कर लेंगे और इन्हें मेल में बच्चा डिलीवर हो जाएगा, फेसबुक पे ये डाइवोर्स ले लेंगे, और इंस्टा पे तो रंडी रोना सबका चलता ही रहता है स्टोरी में। न्यू मी ओल्ड दे, आई डिड एवरीथिंग फॉर देम, दे डिड नथिंग फॉर मी, आई लव माय लाइफ बट दे डोंट। मतलब ऐसा ही कुछ रंडी रोना सबका चलता ही रहता है यार, तो सेट है, दैट्स नॉर्मल थिंग। शेयर करो ये वीडियो उनके साथ जो रंडी रोना करते हैं इंस्टा पे, है दम? नहीं होगा मुझे पता है। ये अरे ये तो बचकानी चीजें हैं, ये मैं भी कर सकता हूँ, एक सेकेंड। कभी कभी कैसा होता है ना, मतलब जीन फ्लेक्सिबल नहीं होती, तुम्हारी टांगे फ्लेक्सिबल है। अच्छा हुआ कार्डबोर्ड है, नहीं तो मेरी इज्जत जाती पता है रास्ते पे। वो लड़कियाँ मुझे देख के सीटी वीटी बजा दी, ए चिकने कैसे जा रहा है, क्या जा रहा है, अच्छा है। अरे बंद कर बेंचो। तो चलो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और प्यार देते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।